नमस्कार, आप देख रहे हैं NN24 और मैं हूं आपके साथ विदिशा। ठंड ने आहट दे दी है, हवाओं में घुला जहर अब आसमान पर छाने लगा है। दम घोटू वातावरण में सांस लेना कठिन होता जा रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस मौसम में वायु प्रदूषण की मात्रा ज्यादा होती है। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंचने में खेतों में जलाने वाली पराली को जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि में पराली की समस्या बेहद विकराल रूप ले रही है। सरकारें गाइडलाइन जारी कर रही है पराली और प्रदूषण को लेकर। सरकारें और अफसर और वैज्ञानिक जो भी कह सुन रहे हो, लेकिन मुरादाबाद इस पराली मामले में सबसे अलग हटकर समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहा है। आइए देखें मुरादाबाद के इस गांव ने किस तरह पराली जलाने के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। मुरादाबाद जनपद के लालपुर गंगवारी में किसानों ने एक समूह बनाकर गांव के मस्जिद और मंदिर पर लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से केंद्र और प्रदेश की सरकारों के आदेशों की जानकारी देनी शुरू कर दी है। लाउड स्पीकर से पराली को लेकर सरकारी आदेशों की जानकारी सुनाई और समझाई जा रही है। मस्जिद के मौलवी स्वयं अनाउंसमेंट करते हुए किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारी भी पराली से होने नुकसान के बारे में मंदिर पर लगे लाउड स्पीकर से संदेश प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। मुरादाबाद जनपद के किसानों की ये पहल कहीं न कहीं पंजाब और हरियाणा के उन किसानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। एक जरूरी ऐलान समाप्त करवाएं। ऐलान ये है कि सभी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है, आगाह किया जाता है कि जैसे कि पराली जलाने पर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी है। पाबंदी इसलिए लगाई है कि इससे प्रदूषण पैदा होता है। तो सभी किसान भाइयों से कहा जाता है कि अपने अपने खेतों में पराली न जलाएं, बेहतर होगा, उसे अपने पैसे काम में ले लें खाद के रूप में। किसान भाइयों से अपील की जाती है कि कोई भी हजरात अपने खेत में पराली न जलाए। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से इस पर बैन लगा दिया गया है, तो सभी किसान भाइयों से गुजारिश की जाती है कि पराली न जलाएं। हमने तो ये हफ्ता करा है पराल। चाचा क्या नाम है आपका? जुम्मा। किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं पराली जलाने को लेकर? मना करते हैं हम तो लोगों से, और हमारे यहाँ तो कोई जलाई ना रहा। हमने तो देखो ये इकट्ठा कर रखा है पशुओं के लिए, अब पशु खाएंगे तो 6 महीने का चारा हो गया उनका तो, और उसका गोबर बनेगा, ये वो खा लेंगे तो बढ़िया खाद बनेगी। किस तरह से जागरूक कर रहे हैं किसानों को? ये कर रहे हैं हम तो, मना कर रहे हैं कि भैया कोई मत जलाओ, कोई भी तो उनका मत जलाओ इसका खेतों पर जाकर। हाँ, तो ये अच्छा नहीं जलाना, इसका इससे प्रदूषण फैलता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। हम लोग यहाँ लालपुर गंगवारी के रहने वाले हैं, और हम लोग पिछले 3 साल से पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। इसके पहले जो हमारा कदम होता है वो गांव में क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, जो इस समय धान की कटाई होती है उसमें लोग पराली खेतों में ना जलाएँ, इसके लिए हम लोग मंदिर से और मस्जिद से अनाउंसमेंट कराते हैं लगातार। पुजारी जी की और इमाम साहब की हम लोग इसमें सेवाएँ लेते हैं और लोग उनकी बात मानते भी हैं। दूसरा, खेतों पर जाकर भी किसानों को बताते हैं कि आप पराली ना जलाइए, इसमें बहुत से कीट पतंगे भी जल जाते हैं। पराली को वहीं डीकम्पोस्ट करना है। डीकम्पोस्ट करने के लिए सरकार द्वारा ब्लॉक से फ्री केमिकल दिए जा रहे हैं, तो उसे खेतों में डालते हैं तो पराली तुरंत गल जाती है और अच्छी खाद बन जाती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। पराली जलाने को लेकर किस तरह से जागरूक कर रहे हैं आप? पराली जलाने के लिए हम जो है अपने मस्जिद से अनाउंस करते हैं कि कोई भी किसान भाई पराली न जलाए। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये आदेश है कि पराली न जलाई जाए, इससे जो है प्रदूषण फैलता है। तो किस तरह से अनाउंसमेंट कर रहे हैं किसान, किस तरह से सहयोग कर रहे हैं आप? किसान भी सहयोग कर रहे हैं और बाकी जो लोग हमसे हमारे संपर्क में हैं उनसे भी बताते हैं कि ये गलत बात है, पराली नहीं जलानी चाहिए। एक हमारे यहाँ जो है ना समूह बना लिया है हमने, पानी बचाओ दल भी है और प्रदूषण का भी है, पर्यावरण का भी है, तो उससे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी लोगों को जाकर के बताते हैं कि पराली न जलाएं, इससे जो है प्रदूषण फैलता है। इसी के जरिए हम तमाम आसपास के गांव में भी बताने की कोशिश करते हैं कि इससे प्रदूषण आप फैल